साहेबगंज जिला मंडरो प्रखंड के दामिन भिट्ठा भुइया टोली में वर्ष 2012 में 13 इंदिरा गांधी आवास बनाए गए। सभी आवास रेत और डस्ट से बनाए गए थे, जिसके कारण पहली ही बरसात में सभी आवासों में दरारें पड़ गईं और दीवारें गिरने लगीं। अभी पक्के मकानों को दुखिया नैया एवं अन्य चार लोगों ने मिट्टी और गोबर से लीप कर घर को बचाए रखा है। कितना घर बना है यहाँ पर? 13 का। कब बनाया गया था? 2012 में। अभी कितना घर ठीक है? 5 का। अब बाकी के घर कैसे गिर गया? सब टूट गया, गर्दी से बनाया, सीमेंट भी नहीं दिया उन्होंने, बालू, वो तो मट्टी से साट के रखा तो है कुछ 5 को। तो इसके लिए आप लोग कभी कुछ लिख के नहीं दिए? बोले तो बोला बस इतने पैसा कम है। किसको बोले थे? छपरा यादव को, ठेकेदार को। और यहाँ का जो प्रधान है उसको नहीं बोलते? मुखिया तो कुछ भी नहीं करता है। तो जब घर बना उसके बाद ठीक ठाक था घर की नहीं था? ठीक ठाक था। तो फिर पहली बरसात में क्या हुआ? अपने अपने नीचे से फटते ऊपर फट गया समूचा, तब समूचा फट के सब धस गया, गिर गया मतलब। आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं विनती करती हूँ कि साहेबगंज जिले के उपायुक्त श्री उमेश प्रसाद सिंह के मोबाइल नंबर 9431152021 पर कॉल करके इस समस्या से अवगत कराएं, ताकि यहाँ के लोगों को फिर से नया आवास बन सके। मैं शिखा कुमारी पहाड़ी, जिला साहेबगंज, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।